और बदलते मौसम के बीच उत्तराखंड से खबर सामने आई है, जहां पर मौसम विभाग ने 20 अगस्त तक के लिए राज्य में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो 20 अगस्त तक उत्तराखंड में मौसम का मिजाज यूं ही बिगड़ा रहेगा और लगभग सभी क्षेत्रों में अत्यधिक बरसात भी हो सकती है। दरअसल रक्षाबंधन की शुरुआत से ही उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बरसात होने का सिलसिला शुरू हो गया था। मैदानी क्षेत्रों में भी इसका साफ असर देखा गया और आपको बता दें कि मैदानी क्षेत्रों में भी आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए रहे, हल्की से मध्यम बरसात भी हुई। और आगे आपको बताते चलें कि कई जिलों में बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। 18 अगस्त को भी नैनीताल और बागेश्वर जैसे दो जिलों में कहीं कहीं पर काफी मूसलाधार बरसात होने की संभावना है। 19 अगस्त को भी मौसम विभाग ने तीन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और इन जिलों में नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर शामिल हैं। इन जिलों में मौसम विभाग के लोगों को अत्यधिक सावधान रहने की अपील की गई। और 20 अगस्त की बात करें तो देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बारिश की आशंका को देखते हुए इन लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। और इस बीच शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की अहम खबरों की। और बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ का एक अहम दौरा होने जा रहा है। बता दें आपको कि 19 तारीख को सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन ने भी सीएम योगी के दौरे को देखते हुए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की है। और आपको बता दें यातायात के लिए भी डायवर्जन क्रिएट किया गया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 1 बजे टीएफसी वृंदावन पहुंचेंगे और दोपहर 2 बजे के आसपास वो अन्नपूर्णा भवन में भ्रमण कर प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रसाद वितरण भी किया जाएगा इस दौरान। और इसी क्रम में शाम के 4 बजे मथुरा कृष्ण जन्मस्थान मंदिर का दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और शाम को 4 बजे के बाद करीब 4:30 बजे कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में मथुरा प्रशासन ने योगी आदित्यनाथ को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था भी कर दी है। जन्माष्टमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए योगी आदित्यनाथ के आगमन पर यातायात को भी डायवर्ट कर दिया गया है। और इस बीच एक खबर सामने आई है रुड़की से, जहां पर आईटीआई के सीबीआरआई गेट पर कर्मचारियों ने जमकर हंगामा काटा। सीबीआरआई में काम करने वाले कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि केएसजे डायनामिक सिक्योरिटीज कंपनी को ठेका दिया गया। कंपनी के द्वारा कर्मचारियों का क्वालिफिकेशन के कागज पर उनका सत्यापन किया जा रहा है, जो गलत है। कर्मचारी ने आरोप लगाते हुए बताया कि वो काफी समय से यहां पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन केएसजे डायनामिक सिक्योरिटी कंपनी के कर्मचारियों का उत्पीड़न करने का आरोप सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि कागज की मांग की जा रही है, जो कि कर्मचारियों के लिए एक उत्पीड़न के समान है। उन्होंने कंपनी के कर्मचारी पर 10,000 रुपए लेकर नौकरी पर काम करने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने मांग की है कि केएसजे डायनामिक सिक्योरिटीज कंपनी टेंडर वापस हो। और हालांकि केएसजे डायनामिक सिक्योरिटीज कंपनी के जो ऑपरेशन मैनेजर हैं कैप्टन एपी सिंह, उन्होंने कहा है कि जो भी आरोप कर्मचारी लगा रहे हैं वो सब निराधार है। क्या कहते हैं, 10,000 रुपये मांग रहे थे। उस मामले में हमने विरोध किया और उन्होंने ब्लैंक पेपर पे साइन करने के लिए बोला। हमने बोला फॉर्म दिखा दो हमें, तो फॉर्म नहीं दिखाया। प्रोमो कंडीशन हमें चाहिए, वो नहीं दिखा रहे हैं। कंडीशन कुछ नहीं दिखा रहे हैं अपने। पीएफ, पीएफ, जीएफ जो भी काटना है ना, ये कुछ नहीं दिखा रहे हैं। कितने लोग काम करते हैं यहाँ पर? ठीक है, 150। कितने लोग काम करते हैं? 150 कम से। अब आप लोगों की मांगे क्या है यहाँ पर? मेरा नाम जो है कैप्टन एनपी सिंह है, केएसजे डायनेमिक सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड से मैं मैनेजर हूँ, ऑपरेशनल मैनेजर। जो इन्होंने कर्मचारियों ने जो है आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। हम कोई पैसा नहीं ले रहे, सबके सामने बोल रहे हैं। तो जो भी जो है प्रकरण है उसके अनुसार हम जो है इनको एम्प्लॉय करेंगे। जो डॉक्यूमेंट हमारी कंडीशन है उसके अनुसार डॉक्यूमेंट दे, भर्ती हो, पीएफ भी कटेगा, ईएसआई भी होगा। केएसजे सिक्योरिटी डायनेमिक सिक्योरिटी का टेंडर हुआ था, जो कि ये 13 तारीख से यही है। 13 तारीख से जब ये आया था तो इसने 10,000 की डिमांड की थी,
लेकिन 10,000 देने के लिए यहाँ पे कोई भी हमारा मेन पावर वाला असमर्थ है देने में। लेबर लोग है, ये 7,000 तनख्वाह आती है, 10,000 कहाँ से देंगे। तो फिर यहाँ पे इनने ये थोड़ा दबाव बनाया तो फिर इसने 10,000 के लिए कैंसिल कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड नहीं, ये मेन पावर की जी, हर साइंटिस्ट साहब के पास है बंदे, कोई किसी के। मामला फतेहपुर से है, जहां जनपद के थाना क्षेत्र बकेवर में गांव सुजावलपुर में रात को गाय चोरी कर कुछ अराजक तत्वों ने गाय की हत्या कर दी। ग्राम सुजावलपुर निवासी सुरेश रदास के दरवाजे पर गाय रात में बंधी हुई थी, लेकिन सुबह जब चारा डालने के लिए शख्स गया तो गाय के पास जब पहुंचा तो गाय वहां पर नहीं मिली। आसपास ढूंढने का प्रयास किया गया, तब जाकर गौठियाखेड़ा नाले के पास गाय का कटा हुआ सर बरामद हुआ और बाकी अवशेष भी बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि गाय के पेट में 8 महीने का बच्चा भी था। बहरहाल मौके पर पहुंचकर पुलिसकर्मियों ने तफ्तीश शुरू की और अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन भी दिया गया।